सॉन्ग लॉन्च मीन्स या तो क्या बोलना चाहते हैं? सूर्यपा जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो उनका लेबल है देसी रिकॉर्ड, उन्होंने इनवाइट किया मुझे और गाना बहुत ही अच्छा है और रियल लाइफ से रिलेटेड है ये सॉन्ग। हर तीसरे बंदे को ऐसे धोखा मिलता है और ये मोटिवेशनल गाना है। बहुत से लोग टूट जाते हैं और बहुत से लोग हार्डवर्क करते हैं, तो ये गाने में यही बताया कि हार्डवर्क करना चाहिए, वही चीज़ों पे अटक के लाइफ को स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो वो हिसाब से एक पॉजिटिव मैसेज भी है गाने के जरिए, इसलिए मुझे गाना बहुत पसंद है। आपका एक सॉन्ग आया था बदनाम, इसी बेस पे वो भी गाना, हाँ मेरी रियल लाइफ पे बेस था, पार्टली पर पूरा नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लगा था उस पे काम करने। तो अपने रियल लाइफ का स्ट्रगल को दिखाने, लोगों तक पहुंचाने, उसका मज़ा अलग ही है, तो इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ ये गाना। तो दुबई ट्रिप्स के मतलब बारे में क्या बोलना चाहते हैं, कितना एंजॉयमेंट किया आपने? अभी तो सिर्फ स्काई डाइविंग का ब्लॉग अभी मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल पे, अभी बहुत सारी चीज़ें लाइनअप है, 3 से 4 ब्लॉग एडिट हो रहे हैं अभी और धीरे धीरे करके वो सभी पोस्ट करूँगा मैं। अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है फैंस को? टीम 07 के साथ एक सॉन्ग आने वाला है, वो भी है अभी 25 से 28 के बीच में मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा और जितना जल्दी हो सकेगा वो दुबई में हम लोग ने शूट किया है। IPL भी मींस कि चालू, मतलब दुबई में मतलब देखने का मौका मिला तो क्या मतलब कैसे करते? मौका तो मिला था पर मुंबई की मैच नहीं थी उस दिन, तो मैं नहीं गया था। मेरे का बर्थडे भी है आपको? हाँ 22 को उसका बर्थडे है, अब्दुल रहमान नाम है, रैप सॉन्ग करता है वो और बहुत ही अच्छा गाना है, लिरिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है, 6 से 7 गाने ही उसने निकाला अभी तक का, पर ये इसकी छोटी सी जर्नी के अंदर उसका जो इम्प्रूवमेंट है, ये जो अपकमिंग जो ट्रैक है बहुत ही पावरफुल है, मुझे पता है आप लोग को सबको पसंद आएगा, आप लोग देखना ना भूलें। डी अब्दुल क्या मतलब सेलिब्रेशन कैसा रखने वाले हैं? अभी तो वैसा कुछ प्लानिंग नहीं है, सरप्राइज़ है वो, मैं अभी रिवील कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा।